फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। क्राइम ब्रांच की WR1 की टीम ने अवैध हथियार के साथ दो वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच के DCP सतीश कुमार ने मीडिया को बताया। WR1 क्राइम ब्रांच राजौरी गार्डन की टीम ने दो शातिर अपराधियों विक्रम उर्फ मोनू निवासी VP ओबादली झज्जर हरियाणा और राकेश उर्फ सांड निवासी VP ओबादली झज्जर हरियाणा को FIR संख्या 152/2024 दिनांक 7 अगस्त 2024 धारा 25/54 आर्म्स एक्ट PS क्राइम ब्रांच के तहत गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से दो पिस्तौल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी विक्रम हरियाणा में बंदूक की नोक पर लूटपाट के कई मामलों में वांछित था। WR1 क्राइम ब्रांच नियमित निगरानी और गुप्त मुखबिरों के माध्यम से सक्रिय अपराधियों लुटेरों हथियार डीलरों और संगठित अपराध पर कड़ी निगरानी रखती है ताकि अपराधियों द्वारा किए जा रहे अपराध के खतरे को रोका जा सके। इनामी अपराधियों की तलाश के दौरान एक गुप्त सूचना मिली कि विक्रम नामक एक हताश अपराधी जो हरियाणा में कई बंदूक की नोक पर डकैती में शामिल है क्षेत्र में कुछ अपराध करने के लिए अपने सहयोगी से मिलने के लिए सेक्टर 14 द्वारका दिल्ली में आएगा। गुप्त सूचना के आधार पर अपराधियों को पकड़ने के लिए अजय कुमार ACP WR1 के करीबी पर्यवेक्षण में इंस्पेक्टर संदीप यादव के नेतृत्व में टीम बनी जिसमें SI अमोलक SI अनिल कुमार ASI सुरेश कुमार ASI अनिल हेड कांस्टेबल महिपाल हेड कांस्टेबल संदीप कुमार हेड कांस्टेबल अजय कांस्टेबल विशाल और महिला कांस्टेबल नीतू की एक टीम का गठन किया गया था। आरोपियों की गतिविधियों का पता लगाने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई थी। तदनुसार गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने आरोपी विक्रम उर्फ मोनू और राकेश उर्फ सांड को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय उनके कब्जे से दो अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए। ASI सुरेश कुमार द्वारा परिश्रम पूर्वक फील्ड वर्क और HC संदीप कुमार द्वारा तकनीकी कार्य के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की प्रोफाइल। आरोपी विक्रम ने अपने गांव के सरकारी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की थी। वह एक आलीशान जिंदगी जीना चाहता था। वह अपने गांव के कुख्यात लड़कों के संपर्क में आया और जल्दी पैसा कमाने के लिए अपराध करने लगा। उसने दिल्ली में बंदूक की नोक पर डकैती भी की और पकड़ा गया। उसके बाद जेल से बाहर आकर उसने हरियाणा में अपराध करना शुरू कर दिया। वह बादली निवासी कुख्यात अपराधी संदीप के संपर्क में आया और उसके लिए काम करने लगा। आरोपी राकेश उर्फ सांड ने अपने गांव के सरकारी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की थी जहां वह आरोपी विक्रम और उसके गांव के अन्य कुख्यात अपराधियों के संपर्क में आया। वह आरोपियों की फेरारी भागने की अवधि के दौरान आश्रय की व्यवस्था करता है। आरोपी विक्रम की पिछली संलिप्तताएं। आरोपी विक्रम पहले भी दिल्ली के विभिन्न पुलिस थानों में सशस्त्र डकैती चोरी आर्म्स एक्ट के 3 मामलों में शामिल रहा है। बरामदगी एक अत्याधुनिक पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस एक देशी पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस।